उसकी दे दे और कर की ना है। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मी का मैजिक। और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और अभी है मॉर्निंग का टाइम, बज रहा है सात साढ़े सात बज रहा है। और मैं बस सो के उठकर चाय पीकर झाड़ू लगाकर निकल पड़ी हूँ बाहर कहीं जाने के लिए। और जहाँ जा रही हूँ, जो करने जा रही हूँ, वो आज ज़िंदगी में पहली बार कर रही हूँ ज़िंदगी में ये काम, जो कि है सब्जी मंडी जाकर सब्जी लेना। बट अब मैं धीरे धीरे सब चीज़ें सीखने लगी हूँ, सीखने की कोशिश कर रही हूँ। तो बस वही मैं गई थी, मैं और आर्या, दोनों लोग माँ बेटी सब्जी लेने के लिए। तो चलिए चलते हैं, आपको भी घुमाते हैं अपने यहाँ की मंडी। और फ्रेंड्स, यहाँ मॉर्निंग में मंडी लगती है मेरे घर के पास ही, जिसमें काफ़ी अच्छी फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल्स या सब्जियाँ, फ्रूट्स वगैरह अच्छे मिल जाते हैं। तो हम लोग बस मंडी ही जाते हैं सुबह सुबह सब्जी लेने के लिए, और अच्छे से सब कुछ ले लेते हैं। और थोड़ा कॉस्टली भी नहीं होता है, सस्ते में मिल जाता है सब कुछ। तो चलिए चलते हैं फिर और दिखाते हैं आपको यहाँ की मंडी की। मम्मी ये देखो पहाड़ी का ऐप कितनी मस्त है, वो देखो ऑरेंज वाइट। ₹30 टोपा, ₹30 टोपा, ₹30 टोपा, ₹30 टोपा, छाटो, ₹30 इधर साइड से। आज बहुत भीड़ है, चलो इधर से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सब्जी खरीद करके जा रही हूँ वापस घर, और आर्या मेरे साथ थी। तो बस उसी ने सारे वीडियो शूट किए थे, काफ़ी हेल्प की थी मेरी। तो चलिए घर चलते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं घर पे क्या काम है, वो करेंगे, फिर मिलूँगी आपके उसके बाद। और फ्रेंड्स, घर आ गई, उसके बाद झाड़ू पोछा, मॉर्निंग का सारा काम किया, उसके बाद लग गई ब्रेकफास्ट बनाने में। तो ब्रेकफास्ट में आज बना रही हूँ मैं बच्चों के लिए नूडल्स, उनकी फरमाइश पे, क्योंकि आज संडे था तो बच्चे बोले मम्मा नूडल्स बनाइए। तो बस यहाँ पे बॉयल होने के लिए नूडल्स रखे हैं, पानी डाल के, पानी में थोड़ा सा ऑयल और नमक डालकर यहाँ पे अच्छे से नूडल्स को बॉयल कर लिया। अब उनको करेंगे फ्राई, जिसके लिए पैन में मैंने ऑयल गर्म कर लिया है। तो चलिए बनाते हैं। और यहाँ पे कटी हरी मिर्च और प्याज को थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो फटाफट से ये रेसिपी मैंने सोचा आपको ये साथ शेयर कर दूँ कि मैं नूडल्स घर पे कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे प्याज मेरा जितना फ्राई करना था कर लिया है, ज़्यादा नहीं करना है, हल्का ही करना है कि उसका कच्चापन दूर हो जाए। बाकी सारी वेजिटेबल्स डालेंगे जो काट कर रखी थी, जैसे गाजर हुई, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और बीन्स, ये सारी सब्जियां जो मैंने चॉप करके रखी थी तो सारी उसमें ऐड कर दी हैं। और यहाँ पे देखिए सब्जियां फ्राई हो रही हैं, और यहाँ पे ऐड कर दिया बीन्स। बीन्स एक्चुअली डालना भूल गई थी, बाद में याद आया कि फ्रिज में बीन्स भी पड़ी है, तो उसको थोड़ा बाद में काटा था इसलिए थोड़ा सा उसको लेट डाला, कोई नहीं। और यहाँ पे डाला थोड़ा सा नमक, जिससे कि सब्जियों में क्रंच ऐड हो जाए अच्छे से, और नमक से सब्जियाँ जल्दी गल जाएँ। तो सब्जियों को उतना ही पकाना है जितना कि उसमें क्रंची रहे, बिल्कुल अच्छे से नहीं पकाना है। और यहाँ पे ऐड कर दी थोड़ी सी सेजवान चटनी थोड़े से टेस्ट के लिए। और ये ऐड कर रही हूँ हक्का नूडल्स मसाला, जो कि मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। और हाँ, मैं बना रही हूँ हक्का नूडल्स, इसलिए उसमें डाला है हक्का नूडल्स का मसाला।
तो चलिए यहाँ पे मसाला और सेजवान चटनी डाल के यहाँ सब्जियाँ सोटे कर ली, अच्छे से फ्राई कर ली हैं, और देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं, कितनी सारी सब्जियाँ हैं ना। थोड़ा सा हेल्दी भी हो गया बच्चों के लिए, क्योंकि ऐसे तो बच्चे सब्जियाँ खाते नहीं हैं, बट नूडल्स के साथ, मैगी के साथ और ये चाउमीन वगैरह में दे दो तो बड़े अच्छे से प्रेम से खा लेते हैं। और यहाँ पे ऐड कर दिए नूडल्स, और सबसे बड़ी बात होती है नूडल्स बनाने में, उनको चलाना, उनको मिक्स करना सबसे टफ काम है। और यहाँ पे ऐड करके नूडल्स, और अब यहाँ पे ऐड करेंगे सॉस, जैसे कि ग्रीन चिली सॉस और यहाँ पे टोमेटो केचप अच्छे से। और सबसे बड़ा काम टोमेटो केचप से बोतल, सॉरी टोमेटो केचप से बॉटल से निकालना, और थोड़ा सा सोया सॉस, विनेगर मैं ये ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि वो काफ़ी बच्चों को नुकसान करता है, इसलिए जब बच्चों के लिए स्पेशली बनाती हूँ तो विनेगर बिल्कुल ऐड नहीं करती। और यहाँ पे मेरी जो हक्का नूडल्स है वो बनकर रेडी है, आप भी आइए गरम गरम खाइए। और हम लोगों ने खाए थे, काफ़ी टेस्टी बने थे, यमी बने थे। और यहाँ पे हम लोगों का हो गया है नाश्ता, और जैसा कि बताया था कि दिन था संडे का, तो संडे को बच्चों को मैं खुद ही नहलाती हूँ, बाल बाल धो के अच्छे से, तो बस यहाँ पे एक एक करके दोनों को नहला रही थी गर्म पानी करके, और फिर रेडी कर रही थी इन लोगों को। और ये क्लिप बनाई थी यारव ने, वो परेशान कर रहा था दीदी को अपनी, और यहाँ पे उनके बाल बाल सुखा रही हूँ और इनको रेडी करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर दोनों बच्चों को रेडी कर देती हूँ और उसके बाद मैं मिलती हूँ आपको। फ्रेंड्स यहाँ पे आ रहा, मेरी ब्लॉगिंग कर रही थी और मैं यहाँ बाथरूम में धुल रही थी कपड़े, और मैं बाथरूम में बैठ के अपने हाथों से कपड़े क्यों धुल रही थी वो मैं आगे आपको कैमरे के सामने बताऊंगी कैसा क्या हुआ। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मी का मैजिक, और आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और जैसा कि आप अभी तक देखा ब्लॉग, काफी मतलब थकान भरा दिन, काफी सारे काम, क्योंकि आज है संडे तो काफी सारे काम ऑब्वियस हो ही जाते हैं। तो कोई नहीं, अभी इसीलिए थोड़ा सा लेट आ रही कैमरे के सामने संडे के दिन बच्चों के। और आज मेरे साथ एक बहुत खतरनाक वाली ट्रेजेडी हो गई, क्योंकि उसकी वजह से और ज्यादा काम मेरा बढ़ गया। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हफ्ते भर के कपड़े इकट्ठे होते रहते हैं, बच्चों की ड्रेस है इनके, ऐसा है कि संडे को मशीन लगाएंगे और सारे कपड़े धुलेंगे, और जैसे ही मशीन में पानी भरा, कपड़े डाले, मशीन ने चलना बंद कर दिया, मतलब मशीन स्टार्ट ही नहीं हुई, तो मेरा पोपट हो गया, मेरा मूड खराब हो गया बहुत ज्यादा, क्योंकि मशीन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई, क्या दिक्कत आ गई, वो चल ही नहीं रही थी, काम ही नहीं कर रही। तो इलेक्ट्रिशियन को फोन किया, जो मतलब मशीन सही करता है उसको फोन किया, तो उसके घर पे है उसके भाई की शादी, तो वो आएगा 4 से 5 दिन बाद। तब तक मेरी बैंड बजने वाली है बुरी तरीके, क्योंकि सर्दियों में कपड़े इतने ज्यादा होते हैं, वुलन भी होते हैं, कॉटन, और डेली यूज के भी हैं, बच्चों की ड्रेसेस भी है सारे हैं, ऊपर से फिर कपड़ों का भी। तो कोई नहीं, बट कोई नहीं, देखेंगे, मैनेज करेंगे उसको भी, और सब बढ़िया है। और बस वही, हाथ से जब कपड़े सारे गीले हो गए, वैसे अगर गीले ना होते तो मेन मेन कपड़े आज धुल देते, फिर डेली थोड़े थोड़े धो देते, लेकिन जब वो मशीन में पड़ चुके थे, निरमे में फूक भीग चुके थे, तो ऑब्वियस है कि सारे कपड़े धुलने पड़ेंगे। तो बस वही सारे कपड़े धुल के बस अभी 1 बज रहा है, और अभी फुर्सत हुई हूँ, और झाड़ू पोछा करने के बाद, चाय वाय पीने के बाद, बच्चों के लिए, इनके लिए बना दिया था नाश्ते में, आज बनाए थे नूडल्स जो कि आपको दिखाए थे, शेयर भी किए, तो बस वही बना दिया था, तो सब लोग खा चुके हैं। अब जाके नहा धो के फ्री हुई हूँ, अब जाके बनाऊंगी लंच। तो लंच में बनाने वाली हूँ, आलू रखाई हूँ बॉयल होने के लिए, बनाऊंगी आलू के पराठे और चाय, सिंपल सा लंच, कोई ज्यादा वो नहीं। तो चलिए फिर, आज का ब्लॉग शुरू तो हो ही चुका है, कैमरे के सामने अब आई हूँ, तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, बनाते हैं लंच और करते हैं लंच की तैयारी, बाकी और सब बढ़िया है। और कल का ब्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो उस पर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर ये ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो इसको भी लाइक कीजिएगा और कमेंट किया करिए, और नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी किया करिए,
बाकी बच्चे देख रहे हैं टीवी, अभी बच्चों को भी नहला धुला देगा क्योंकि आज संडे था तो संडे वाले दिन खुद से ही नहलाना धुलाना है, तो बस उनको भी रेडी कर दिया। और मम्मी ऊपर थी, अभी जस्ट आई हैं, ये भी अभी ऊपर से आए हैं, ये भी अब नहाने जा रहे हैं। तो जो ट्रेजेडी थी वो हो गई, लेकिन सारा काम अब हो चुका है, अब जा रही हूँ लंच बनाने। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में लंच बनाने। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का लंच, जो कि है हरी धनिया टमाटर और लहसुन की चटनी, चाय, मूली का अचार और गरम गरम आलू के पराठे जो कि मेरे फेवरेट हैं। तो चलिए मैं भी लंच कर लेती हूँ और आप सब भी लंच कर लीजिए, फिर मिलूंगी आपको थोड़ी देर। 2000 years later। और बस यहाँ पे खाना वाना खा के फ्री हुई थी कि तब तक आ गया था इलेक्ट्रिशियन, जो मुझे टीवी अपनी हैंग करानी थी, तो बस उसी का काम स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैल गया था आवाज़, पूरा दिन मेरा इतना गंदा गया कि जो भी सोचा था वो कोई काम नहीं हो पाया और जो नहीं सोचा था वो हो गया। लेकिन हाँ ये भी एक काम ही था टीवी हैंग कराने का, तो वो भी हो गई यार। मेरा पूरा घर अस्त व्यस्त कर दिया। कैसा लगा था तुम दोनों निकालने से पहले? देखा नहीं, कलर नहीं होगा और क्या। ये वाला निकाला ये बताया, कितनी छीछा लेदर करी है, सही बात, कैसे साफ होगी। देखो कितना गंदा फैलाया इन्होंने। मोहित की दुकान नहीं खुली थी संडे? अभी अंदर गए ना तो खुली है, खुली है। और तुमने तो कहा था खुली है, मोहित है इसी के सेटअप बॉक्स के नीचे कर दो ना, इसको दबा दो जाएगा। फाइनल खत्म हो पाया है क्योंकि आज टीवी मेरी स्टैंड पे रखी थी टेबल पे, तो वो अच्छी नहीं लग रही थी, इस वजह से आज उसको वॉल पे हैंग करा दिया है। तो बस कहते नहीं कि थोड़ी सी भी जगह में कुछ भी रखा हो तो इतना ज्यादा गंदगी फैल जाती है उस जगह पे, कुछ कहीं नहीं। आपको जैसे दिखाया था कितना ज्यादा कबाड़, मतलब छोटा सा भी घर में काम कराओ तो इतना ज्यादा काम बढ़ जाता है। तो बस वो फाइनल हो गया है, अभी बस साफ सफाई करके फ्री हुई हूँ, तो आपको दिखाती हूँ कि अब रूम कैसा लग रहा है और मेरी टीवी अब कैसी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कॉर्नर पूरा खाली हो गया, साफ हो गया एकदम से, और टीवी हो गई वॉल पे हैंग, तो अब टीवी देखने में भी अच्छा लग रहा है और सब लोग आराम से लेट के देख भी सकते हैं। नहीं जो कोई आगे लेट जाता था वो टीवी घेर लेता था, तो बहुत दिक्कत होती थी टीवी देखने में। और यहाँ पे जो टेबल रखी थी उसको पहुंचा दिया मैंने अपने रूम में, दिखाती हूँ उसको पहुंचा दिया अपने रूम में, बना दिया अपनी एडिटिंग टेबल जहां पर बैठ के मैं एडिट किया करूंगी अपने ब्लॉग्स। तो ये रही मेरी एडिटिंग टेबल, तो बढ़िया सारा सेटअप हो गया अच्छे से, सब सही हो गया, सेट हो गया है। और यहाँ पे वैसे अभी ये टेम्परेरी काम है, ये फाइनल नहीं है, क्योंकि अभी मुझे आने वाले समय में यहाँ पे बनवानी है ड्रेसिंग टेबल, तो अभी थोड़ा काम कराना है घर का जो अभी फाइनल नहीं हुआ है, वो तो जल्दी जल्दी की वजह से थोड़ा सा वो हो गया, डिले हो गया काम, और ये सारी दिक्कतें चालू हो गई इस वजह से वो नहीं हो पाया। लेकिन अभी कराना है, यहाँ पे बनवानी है ड्रेसिंग टेबल, तो जब तक नहीं बनवाते हैं तब तक इस सेटअप से काम चलाएंगे। लेकिन अब ठीक लग रहा है, कमरा भी सही लग रहा है, बाकी एडिट करने के लिए भी ठीक ठाक हो गया है। तो चलिए अब ये तो काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गए हैं, और अभी टाइम हो रहा है शाम का बज रहा है 7 बज गया। इतना काम करने में, मतलब छोटा सा भी इधर से उधर चीज करो, अगर एक तिनका भी इधर से उधर खिसकाते हैं तो काम इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कुछ कहीं नहीं। क्या सोचा था शाम को करने के लिए और क्या होने लगा, तो वैसे सोचा था आज ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाना था मार्केट, लेकिन वो टीवी टांगने के लिए इलेक्ट्रीशियन आ गया, तो वो टीवी का होने लगा काम, तो वो फाइनल वो भी काम था जो इतने दिन से पेंडिंग था और काफी दिन से इंतजार था कि ये काम भी हो जाए, तो कोई नहीं वो भी काम खत्म हो गया, एक काम खत्म हुआ फाइनल।
तो चलिए अब है डिनर का टाइम तैयार करने का, लेकिन आज डिनर कोई करने वाला नहीं है। मैं मम्मी घर पे हूँ, मम्मी मना कर रही हैं। बाकी ये और बच्चे जा रहे हैं एक जगह निमंत्रण में, तो बच्चे और ये जाएंगे तो बस, और हम ही अकेले बचे हैं, तो देखते हैं अपने लिए कुछ हल्का फुल्का इंतजाम कर लेंगे। और थक गई, बात करते करते भी काम करते करते भी, सारा दिन हो गया आज काम करते करते, एक मिनट नहीं आराम किया है। खाना पीना खा के फुर्सत हुई थी तब तक आ गया था इलेक्ट्रिशियन, तो उसमें टीवी टंगवाने मतलब हैंग कराने के चक्कर में पड़ गई, और बस अभी उससे बस जस्ट अभी फ्री हुई हूँ तो आपसे बात कर रही हूँ। बाकी अब करेंगे थोड़ी बहुत डिनर की तैयारी, इसके बाद करूँगी एडिटिंग। तो और फिर आज तो फिर बिग बॉस भी आना है 9:30 को, आधे घंटे पहले ही आ जाता है सैटरडे संडे को, तो उसका भी मतलब उसके टाइम तक सारा काम हो जाना चाहिए। तो क्या करते हैं, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और आपको मिलूंगी अब, तो फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और आपको मिलूंगी अब नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा। और ये गंदा वो टेबल खिसकाई तो टेबल का पेंट लग गया है, सॉरी। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट तो करते ही नहीं है, कर दिया करिए, तो मुझे भी पढ़ने में अच्छा लगे कि आपको ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। तो बाकी चेहरे पर मत जाइएगा, काफी गंदा हो गया पता है, सारा दिन हो गया काम करते करते, आज बालों को मैं कॉम भी नहीं किया है, कोई नहीं कभी कभी दिन हो जाता है ऐसा, माइंड मत करिएगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरे ब्लॉग्स देखते रहिए, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पांच मिनट।